अब हमारा जो अगला क्वेश्चन फ्रेमिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, रियली गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो यूज है वो काफी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में। जैसे हम किसी से जब पूछते हैं ना, क्या भाई आपने ये काम कर लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आप वहाँ पहुँच गए हो, क्या आपने उसे पढ़ा दिया है, क्या आपने ये पढ़ लिया है, तब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? आज हम पढ़ेंगे हैव यू। हैव यू को स्टडी कर रहे हैं अब हम। हैव यू बेसिकली इसकी जो हिंदी है वो है, क्या आप कोई भी कार्य कर चुके हो। लेकिन चुके हो की जगह ना हम ज़्यादातर लिया है, दिया है का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आपने कोई कार्य कर लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल, क्या आप बच्चों को पढ़ा चुके हो, जैसे एक सेंटेंस ये है, और इसी की दूसरी हिंदी आती है, क्या आपने बच्चों को पढ़ा लिया है। तो हैव यू टॉट द चिल्ड्रन, यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी गाइज, ये आपको ध्यान रखना हैव यू टॉट द चिल्ड्रन। ठीक है, क्या आपने खाना खा लिया है, या क्या आप खाना खा चुके हो। देखो दोनों का मीनिंग सेम है हिंदी में, चाहे लिया है चाहे चुके हो, क्योंकि इंग्लिश तो इन दोनों की एक ही बननी है। हैव यू ईटन द फूड, हैव यू ईटन द फूड। सो हैव यू के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं गाइस। ये वाला फ्रेम आप काफी जगह यूज कर सकते हो। जब भी आप किसी से पूछते हो, क्या आपने कार्य पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क।